YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। चर्चा राज्यपाल के अभिभाषण पर होनी थी, लेकिन चर्चा की बजाय हंगामा ज्यादा हुआ। हरियाणा विधानसभा की हंगामेदार तस्वीरें आप ही देखिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। बजट सत्र के बाद नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए कि हमें चर्चा के लिए समय नहीं दिया गया। वो इस बात को साबित करती है कि 100% कोई ऐसी चीज जैसी उपलब्धि सरकार की पिछले 4.25 साल में नहीं थी, जिसमें सरकार ये कह सकती कि हमने 4.25 साल में वो अच्छे काम किए जिससे आम लोगों को कोई सुख सुविधाएं प्रदान हुई। आप सब हमें अभिभाषण की काफी होगी, पढ़े, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आखिर चर्चा होती भी तो कैसे, हंगामा जो इस कदर बरपा था, मामला इतना बढ़ गया कि राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सीएम मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला के बीच गहमा गहमी होने लगी। मैं बता तो रहा हूँ, मुख्यमंत्री कात्यान जी, अरे मैं बता रहा हूँ जी, एक मिनट, मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, एक बार बता रहे हैं आप, डांगी जी मैं आप बता रहा हूं, कोई उन्होंने जो लिखा है, जो बोला है उन्होंने कहा कि वास्तव में आम आदमी द्वारा, जो पूरा वाक्य समझे, आम आदमी द्वारा इन नीतियों के जबरदस्त समर्थन का स्पष्ट प्रमाण है। ये तो केवल प्रमाण दिया है, वास्तविकता तो यह है कि जन नीतियों का, जो नीतियां सरकार की हैं, उनके समर्थन का ये प्रमाण है कि ये चुनाव जीते। सिर्फ सीएम और नेता प्रतिपक्ष के बीच ही गहमा गहमी नहीं हुई, बल्कि पूर्व सीएम हुड्डा, कृषि मंत्री ओपी धनखड़ और कैबिनेट मंत्री अनिल विज के बीच भी एम्स को लेकर वार पलटवार हुआ। एम्स अलग चीज है, एम्स टू जो पार्ट साहब में बन रहा था वो बनेगा कि नहीं बनेगा, सीधी बात है। ये पहली बात तो, ये एक मिनट अध्यक्ष महोदय, ये कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स का ही है, ये एम्स ही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर अलग मैनेजमेंट हो, एम्स ने इसे अलग किसी ने बनाया हो, एम्स से बाहर बजट आया हो, एम्स ने बनाया है, एम्स ने बजट दिया है, एम्स की मैनेजमेंट देख रही है, स्थान का भी अगवा फैला रहे हो। काम करते हैं हमारी सरकार करती है, तुम्हारे पास का नहीं है काम हमारी सरकार करती है। 40 मिनट सारे हरियाणा में कहां-कहां पत्थर तुमने लगा रखे। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। सरकार बनने के बाद ये काम शुरू हुआ, अभी भी नहीं मिला जी, वहां तो पढ़ा, अभी तो घोषणा ही हुई, आप कांत बढ़ा देंगे उसने। लालाओं के लैंड बैंक बनाने के लिए यूज किया, ना केएमपी बना, ना कोई राष्ट्रीय कैंसर संस्थान डेवलप हुआ, ना कोई ब्लॉक, बादली में कोई ब्लॉक तक भी नहीं बनाया। आज ये बात कर रहे हैं, ये मुझे उलाने देती है, ये तो 10 साल मंत्री थी, मुझे उलाने दे रही है। इस नोकझोंक के अलावा एक तस्वीर और भी सदन में देखने लायक थी, जब कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ये कहा कि नैना चौटाला और उनके समर्थित अन्य विधायकों को इनेलो से अलग बैठना चाहिए, तो नैना चौटाला ने ये भी कह दिया कि हाँ, हमने नई पार्टी गठित कर ली है। टूटी या नहीं टूटी, तुम ये बताओ भाई, ये बताओ क्यों नहीं हाउस में पता होना चाहिए कौन किस पार्टी का है, जहाँ बताओ कि इनेलो में है भाई, टूटी या नहीं टूटी, देख ले। नहीं चिंता ना करो, मैं तो इन्हें मान लिया कि नैलो टूट गई है, तो इनके लिए अलग सीटों का अरेंजमेंट किया। एक सदस्य आपके हाजिरी में कहते हैं हमारी अलग पार्टी बन गई, तो नेता प्रतिपक्ष कैसे रहेगा, वोटिंग करवाओ। जब देव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन देयर लीडर, तो आपको इनसे वोटिंग करवाओ, कितने हैं पूछ लो। अभय चौटाला और राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। हालांकि आरोप प्रत्यारोप के बीच में काम की बात भी हुई, जब परमिंदर ढुल ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार किसानों को पेंशन देने पर विचार कर रही है,
तो कृषि मंत्री ने कहा कि बजट में इसकी घोषणा की जाएगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कुछ काम की बातें हुई, कुछ हंगामा हुआ और बजट सत्र का दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, तो सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गयी।